अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी विदाउट ओवन के। उसके लिए मैंने एक लिस्ट बना ली है इंग्रेडिएंट्स की। सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे, 1/2 कप कोको पाउडर लेंगे, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप शुगर, 2 eggs, 1 कप ऑयल, 1 कप मिल्क। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है मैदा। ये है 2 कप मैदा जो हमने इस कप के नाप से लिया है। और जब भी हम केक बनाएंगे तो जिस कप से हमने नाप लेने के लिए रखा है उसी कप से हम सारी चीज़ों का नाप लेंगे। 1 कप हमने भर के ले ली है पिसी हुई चीनी, आप बिना पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप हमने ले लिया है कोकोआ पाउडर जो ऐसे पैक में मिलता है, वीक फीट कोकोआ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। 2 टीस्पून हमने ले लिया है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ही ले रहे हैं, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। ये देखिए कितना क्यूट सा चम्मच है, ये हमने ले लिया है 2 टीस्पून। और बेकिंग सोडा ये है टॉप्स बेकिंग पाउडर, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप हमने दूध ले लिया है, 1 कप भर के हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, आप लोग इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 अंडे ले लिए हैं हमने, अगर आपको अंडा सूट नहीं करता या आपको पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह 1 कप दही भी ऐड कर सकते हैं। यह है न्यूट्रेला स्प्रेड जो हम अपने केक पर स्प्रेड करेंगे, इससे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए ले लिया है हमने कुछ बादाम कटे हुए। ये देखिए ये जो तीनों लिक्विड चीज़ें हैं, अंडा, दूध और रिफाइंड ऑयल, इन तीनों को हम अलग मिक्स करेंगे एक साथ। ये जो सारी ड्राई चीज़ें हैं, मैदा, शुगर पाउडर, कोकोआ पाउडर और बेकिंग सोडा, इन सबको हम अलग जगह छानकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी भी पाउडरी चीज़ें थी पाउडर फॉर्म में, हमने उसे इस बाउल में मिक्स डाल लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी ड्राई चीज़ें लेकर मैंने इस बाउल में बहुत अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम इसमें सारी लिक्विड चीज़ें ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम 2 अंडे, अंडे की जगह आप दही भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो। उसके बाद हम डालेंगे 1 कप भर के जो हमने तेल लिया था रिफाइंड ऑयल, आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क, 1 कप मिल्क लिया था, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इन सब सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से और इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। इसके बाद हम ये सारी चीज़ें मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत स्मूथली पेस्ट बन जाएगा हमारा। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बन गया है, हमने 1 से कुछ सेकंड्स के लिए इसे मिक्स कर दिया है और देखिए कितना सॉफ्ट बन गया है। अब हम इसे एक बर्तन में ऐड करेंगे। ये देखिए हमने एक बर्तन ले लिया है छोटा सा, इस पर हम अपना केक बेक करेंगे और इसमें हमने ऑयल लगा दिया है चारों तरफ, अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अगर आपके पास ऐसा बर्तन नहीं है तो आप कुकर भी ले सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं, कटोरी में बना सकते हैं, या फिर और भी ऑप्शंस हैं, उन सबको आप ट्राई कर सकते। हमने इसमें ऐड कर दिया है पूरा बैटर, अब हम इसे थोड़ा ऐसे कर लेंगे जिससे सेट हो जाए। और एक तवा गरम कर लेंगे 5 मिनट के लिए, गरम करके अब हम उस पर ये रख देंगे। मैंने केक के बैटर को 2 जगह ले लिया है, 1 इस बर्तन में किया है और 1 और दूसरे बर्तन में कर लिया है, तो हमारा 2 रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हम एक ढक्कन से ढक देंगे। केक से एयर बाहर ना निकले इसलिए हम एक साफ सा कपड़ा इसके ऊपर रख देंगे। कपड़ा हटा लिया है और 20 मिनट से भी कम हुआ होगा ये तैयार हो चुका है, खुशबू आने लगी थी इसके अंदर, तो मैं इसे खोल के देखा है। अब हम टूथपिक से इसे चेक करेंगे। ये देखिए ये पक चुका है, इसका टेक्सचर थोड़ा अजीब सा है बट कोई नहीं। ये देखिए ये जो इसमें एक्स्ट्रा ऐसा आ गया, इसे हम हटा लेंगे और इससे बाद में हम डेकोरेट करेंगे अपने केक को।
अब हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ये स्प्रेड लगाएंगे। ये देखिए, हमने पूरे केक को अच्छे से न्यूटेला से सजा दिया है। अब हम जो दूसरा हमने बनाया था अलग से, उसे उसके ऊपर लगा देंगे और अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हमने इसे अच्छे से तैयार कर लिया है। जो हमने एक्स्ट्रा क्रम्स निकाल लिए थे, वो हमने अच्छे से उंगलियों से प्रेस करके उसे चूरा बना लिया है। और अब हम अपने केक को इससे डेकोरेट करेंगे। देखिए, हम इसको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लेंगे। ये हमारे केक का फाइनल लुक है, और देखिए कितने आराम से कट रहा है। और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।